15 और 16 जनवरी को जो क्विज प्रतियोगिता हुई थी उसमें एक विषय था गणित कक्षा पांचवी और पाठ था अक्षेत्रफल और घेरा। तो पहले भी अक्षेत्रफल और घेरा की 3 वीडियो बनाई हुई, उसमें बता रखे हैं वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, या अक्षेत्रफल वर्ग का कैसे निकालेंगे, आयत का क्या सूत्र है निकालने का, अक्षेत्रफल परिमाप या घेरा। तो पहले एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, वर्ग का परिमाप का सूत्र है परिमाप या घेरा का 4 गुणा भुजा। जैसे ये वर्ग बना हुआ है, इसकी एक भुजा दी गई है तो इसकी चारों भुजा समान होती है वर्ग की। तो एक भुजा को 4 से गुणा कर देंगे तो वो उसका परिमाप आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी चारों भुजाएं बराबर होती है, 2 भुजा किसी की भी आपस में गुणा कर देंगे तो उसका अक्षेत्रफल यानी बीच का भाग आ जाएगा तो वो वर्ग में आएगा। इसी तरह आयत का परिमाप या घेरा, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उससे उसको 2 से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। आयत का अक्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है अक्षेत्रफल निकालना है तो आप उसमें लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे तो अक्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 60 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? यानी ये बगीचा है मान लीजिए, इसके वर्गाकार है, ये वर्गाकार का मतलब चारों भुजाएं बराबर है इसकी, ये चारों तरफ बाड़ है इसके और उसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर है, यानी घेरा उसका कितना हुआ 60 मीटर। और निकालना क्या हमें, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी यानी एक भुजा निकालनी है उसकी। तो एक भुजा निकालनी है, जब मान लो एक भुजा दी गई है तो 4 से गुणा करते हैं उसको तो परिमाप आ जाता है। अब इसका परिमाप दिया गया है, इसको 4 से भाग कर देंगे तो एक भुजा आ जाएगी हमारे, तो 60 को 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 6 में से 2 गए 2, उतारे नीचे 0, 4 5 20। तो ये 15 आ गया इसका उत्तर, यानी एक भुजा कितनी हुई 15 मीटर की हुई इस बगीचे की। तो दूसरी भी क्या है 15 है, तीसरी भी 15 है और चौथी भी 15 है, अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा। यानी बार बार जोड़ना का मतलब गुणा करना, 15 को 4 से गुणा करो तो 60 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी एक भुजा 15 मीटर की हुई, कितनी 15 मीटर। अब दूसरा है, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो। आयत, ये आयत है इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 11 और चौड़ाई 7, 11 7 77। तो इसका ये तो होगा अक्षेत्रफल, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परिमाप। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, तो परिमाप इसका इन दोनों को जोड़ लेंगे, लंबाई कितनी है, इसका सूत्र क्या है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये परिमाप का है, ऊपर हमने निकाला था अक्षेत्रफल। तो हमें निकालना क्या है परिमाप, 11 लंबाई कितनी है 11 चौड़ाई 7, इन दोनों को जोड़ के 2, 11 7 18 18 को दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा उसका, तो कितनी हुआ परिमाप 36 सेंटीमीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दो उसको तो उसका परिमाप आ जाएगा। अब आगे, एक गलीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है,
यदि उसकी चौड़ाई 3 मीटर हो तो गलीचे का परिमाप ज्ञात करो। ये गलीचा बड़ा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। इससे 2 गुना यानी 2 से गुना कर दो, दुगुनी। 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 गुणा 2 6, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हुई? लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है। 3 से दुगुनी 6, यानी 2 गुना मतलब 2 से गुना करना, 3 को 2 से गुना कर दिया, 6 मीटर हो गई। अब निकालना क्या हमें, यदि इसकी चौड़ाई 3 मीटर हो तो गलीचे का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। लंबाई 6, चौड़ाई 3, 2, 9। ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा 2 गुणा 9 बराबर 18, 18 मीटर आएगा इसका, तो 18 मीटर ये उत्तर है। अब एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर है, यदि इसका परिमाप 700 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। आयताकार खेत है, इसका परिमाप कितना है? 700 मीटर। लंबाई कितनी है? 200 मीटर। तो आयत की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये 200 मीटर है तो ये भी 200 मीटर है। अब 200 और 200 400 होगी लंबाई, परिमाप में 700 में से 400 घटा देंगे यानी लंबाई घटा देंगे तो चौड़ाई रह जाएगी शेष। 0, 0, 7 में 4 गए 3, 300 रह गई। 300 इन दोनों तरफ की है यानी चौड़ाई भी बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 300 को 2 से भाग दे देंगे, 202 से भाग देने के बाद 150 मीटर ये होगी और 150 मीटर ही ये होगी। तो इसने क्या पूछा है, इसकी लंबाई 200 मीटर है, परिमाप 700 मीटर, चौड़ाई क्या होगी? 200 मीटर है तो चौड़ाई 150 मीटर होगी। इसी तरह है, 20 सेंटीमीटर एक लंबे तार से एक आयत बनाई गई है, अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी? अब ये है, मान लीजिए ये तार है और इसको एक आयत में बदल दिया गया है तार को, और जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना है? यानी उस तार से बनाया गया है तो वो परिमाप है, उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब इसको चौड़ाई 4 है तो ये भी 4 है यानी 8 होगी, 20 में से 8 घटा देंगे यानी चौड़ाई घटा देंगे, परिमाप में से तो लंबाई आ जाएगी हमारी, तो 10 यहां से हासिल ली, 10 में से 8 गए 2 और 1 में से 1, 1 में से 0 गए 1, तो 12 बच गई। 12 क्या है? दोनों की इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों की लंबाई दोनों भुजाओं की, तो इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 × 6 = 12 यानी 6 सेंटीमीटर है। अब इसको देखते हैं निकाल के सही है या नहीं है ये, तो ये परिमाप निकाल के देखते हैं, 2 गुणा में लंबाई जमा में चौड़ाई, 6 और 4 = 10, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 6 और 4 = 10 आ जाएगा, 10 को 2 से गुणा कर देंगे 20, ये होगा परिमाप। परिमाप पहले कितना दिया है? 20, यानी ये सवाल सही है। तो ये थे 5 सवाल।